जिस दे पिता शहीद का खून सदका जिस दे पिता शहीद का खून सदका लगरा पुंगरिया सिखी दे पेड़ विचों जिस दे दादा दियां घुंगणियां छकन वाले जिस दे दादा दियां घुंगणियां छकन वाले निकल गए 84 दे गेड़ विचों सत्कार योग सन्मान योग अदब योग गुरु रूप गुरु खालसा साहिब संगत जी अज आपां सारे सतगुरु पातशाह मीरी पीरी दे मालक ढाडियां दे प्रतपालक ढाडी राग ते आसा जी दी वार नूं भगती अते शक्ति नूं इको प्लेट भरन ते इकट्ठा करन वाले सतगुरु मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे 52 कैदी राजिआं नूं रिहा कराउण तो उपरंत ग्वालियर के किले तो श्री अमृतसर साहब की पावन धरती ते पहुंचण ते अते दिवाली दे तिहार दे संबंध में आपां सारे एकत्र होए आ ते बंदी छोड़ दिवस दे संबंध में सब तो पहला गुरु चरणा विच हाजरी लगवाईए क्योंकि जिथे आपां ने अज बाहरी तौर पर दीवे जगाने ने रोशनी करनी है चानण करना है चानण खुशी का प्रतीक है हनेरे तो चानण दूर करता है मस्या की रात है मस्या की रात के जेकर दीवा जगाया रोशनी की वह रोशना जाती है अपने रोशनी करनी है जिते अपने अब बाहरी तौर पर रोशनी करनी है लाइटा लाइनिया ने दीवे जगाने ने आप अंतरिम तौर पर मन तो जोत स्वरूप है ये मन की जोत को भी जगाइए इस आत्मा जिहड़ी परमात्मा की अंश है ये जुगा जुगा तो जन्म जन्म की इस मल मन को मल लागी काला हुआ छिया झूठ की फरेब की ठगी की हेरा फेरी की मैल इस कूट की मैल चढ़ी पई है हनेर छाया पिया इस हनेरे नूं आपां किवें दूर करना है गुरु का नाम जप के गुरु की बाणी पढ़ के गुरबाणी इस युग में चानण करम बसे मन आए गुरबाणी चानण है वाहो वाहो बाणी निरंकार है तिस जेवड अबर ना कोए आपां गुरु के शब्द की रोशनी लैके इस आत्मा नूं रोशनी वल लैके जाना है आओ आपां गुरु के शब्द नाल जुड़िए दो बार वाहिगुरु शब्द का जाप कर लईए तां कि साडे जिहड़े अंदर की मैल है अंदर का हनेरा है वह भी दूर हो सके ये गुरु के शब्द नाल दूर होना गुरु प्यार वाले हो आओ दो बार वाहिगुरु शब्द का जाप करिए ढाडी जथे प्रवानगी दो फतेह के नाल तुहाडे वल्लों ढाडी जथे प्रवानगी भी मिल जानी है तो दो बार वाहिगुरु शब्द का जाप भी हो जाना है सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह अज दिवाली का त्यौहार ते बंदी छोड़ दिवस है गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की याद में आप जुड़े हाँ दिवाली साडा पुरातन त्यौहार है मैं एक विद्वान सुन रहा सा कि दिवाली नूं लक्ष्मी के त्यौहार नाल जोड़िया गया अते उस तो बाद त्रेते युग दे विच रामचंद्र जी 14 साल का वनवास कट के वापस आए उस दिन दिवाली सी जदों गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह महाराज 52 कैदी राजिआं नूं बंदी छोड़ सतगुरु रिहा करवा के श्री अमृतसर साहब की पावन धरती ते पहुंचे उस दिन दिवाली सी दिवाली बड़ा पुराना त्यौहार होवेगा शायद जदों मनुख ने पहली बार रोशनी तकी होवेगी उह दिन दिवाली का होवेगा गज के आखो सतनाम श्री जदों मनुख ने पहली बार रोशनी दीवा जगाया होगा पहली बार उस दिन तो दिवाली शायद शुरू होगी सो आज तक क्योंकि सारे धर्मां ने इस त्यौहार को मनाया हिंदुओं का त्यौहार सिखों का त्यौहार सब का सांझा त्यौहार है सिख धर्म के विच
मीरी पीर के मालक सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह महाराज दे संबंध नाल बंदी छोड़ दिवस के वजों मनाया जाता है। सो अज आप गुरु चरणों में जुड़े हैं, गुरु चरणों में जुड़ के दिवाली का बंदी छोड़ दिवस आप चढ़ती कला में मना रहे हैं। सो आओ आप, क्योंकि समय दियां सरकारां ने गुरु अर्जन देव जी महाराज जी को तत्तियां तवियां ते बिठा के देगां विच वाल के शहीद किया, अते उस तो बाद गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह महाराज जी मीरी पीर के मालक 11 साल की उम्र है, 11 साल की उम्र के गुरु नानक की गद्दी के वारस बने, तख्त पर बैठे। तख्त पर बैठ के गुरु महाराज जी ने की ऐलान किया है, दो तलवारां पहनिया, एक मीरी दी ते एक पीरी दी, भगती अते शक्ति का प्रतीक। सो गुरु प्यार वाले साध संगत जी अते सिखां नूं की ऐलान किया है, गुर गद्दी ते बैठ गए जद छेवें गुर अवतार उन्हां सिखी वाला बदलिया, मुटो कुल व्यवहार सिरों सेलियां टोपियां ला दियां, उची कैम कीती दस्तार, दो तेगां पहनियां गात्रे है सी तेज जिन्हां दी धार, कहिंदे वीर फकीरां हथ वी इहो चमक उठी तलवार, सिर ते ताज ते हफ्ते बाज रख के बैठे सतगुरु तख्त अकाल उत्ते, दिल्ली दे तख्त नालों गुरु महाराज जी ने उच्चा तख्त बिल्कुल हरिमंदर साहब के सामने तख्त तैयार किया, जिसका नाम रखिया श्री अकाल तख्त साहब। दुनिया के लोगों नूं सतगुरु महाराज जी ने यह उपदेश दिता कि जिस किसी नूं कितों भी इंसाफ ना मिले, भावें कोई किसी धर्म नाल संबंधित है, भावें कोई जात नाल मजहब नाल, क्योंकि गुरु नानक का घर सब लई सांझा है, खत्री ब्राह्मण सूद वैश उपदेश चौं वर्णां लई सांझा। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने यह ऐलान किया कि दुनिया के विच जिस किसी नूं कितों भी इंसाफ ना मिले तां उसनूं अकाल तख्त ते इंसाफ मिलेगा, गज के आखो सतनाम श्री। दुनिया के लोग आते सतगुरु महाराज झगड़े नबेड़ते अकाल तख्त सब ते आप बैठते सज के मीरी पीरी दो तलवारां पहन के, हुण सरकारां यह बर्दाश्त कितों कर सकदियां सन। सरकारां दा हुक्म सी कि कोई दस्तार नहीं सजा सकता बादशाह तो बिना, कोई घोड़सवारी नहीं कर सकता। सतगुरु महाराज ने ऐलान किया कि सुंदर जवानियां भेटा करो, आटे दाल होर समग्री के नाल तोशेखाने भरे पए ने, हुण जवानियां भेट करो, हुण शस्त्र भेट करो। सो गुरु रूप साध संगत जी सिखां दे मन दे विच इन्ना चाह, नौजवानों ने अपनियां जवानियां भेट कीतियां, पर इस गल दा सरकार नूं तां खतरा होना ही सी कि किते फौजां तैयार करके बगावत ना कर देवे। उत्थे गुरु महाराज के घर के अंदर गुरु महाराज जी के ताए का सपुत्र है जिहड़ा मेहरबान सोढ़ी, वह चंदू दीवान के नाल रल के कासम बेग लाहौर के सूबेदार नाल रल के जहांगीर बादशाह नूं भड़काउंदे ने। हरगोबिंद साहब फौजां तैयार कर रहा है, फौजां तैयार करके ये अपने पिता के खून का बदला लेना चाहता है गुरु हरगोबिंद साहब। सो जहांगीर बादशाह भड़का के चंदू ने कासम बेग लाहौर का सूबेदार ते सोढ़ी मेहरबान बादशाह भड़काया, तो बादशाह ने हुक्म दे दिता। बादशाह जहांगीर ने वजीर खां नूं हुक्म दिता, कुंचे बेग एक जरनैल भेजिया, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी को दिल्ली ले जाया गया, मजनू टिले सतगुरु महाराज जी का डेरा किया गया। 17वीं सदी के साधु संतां जोगी पीर फकीरां दी करामा दिखाउण का बड़ा जज्बा सी उस समय के अंदर। हुण गुरु महाराज की हजूरी विच बड़ा पीर है जिहड़ा सिकंदर शाह आया, शाही मौलवी मुहम्मद बख्श आया। हुण बादशाह नहीं चाहता के कोई ताज लावे, कोई बाज लावे, कोई घोड़सवारी करे, कोई तख्त लावे दिल्ली दे तख्त तो वड्डा, इत्थे ही वसणा ही। इन्हां मौलवियां काजियां ने गुरु जी महाराज नाल विचार चर्चा कीती, आखिर विच इह गल आखी बादशाह नूं कि जो भी कदम चुकना सोच समझ के चुकिया जावे,
ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਕੀਤੀ। ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦੇਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ, ਸਮਾਂ ਭਿਆਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ 40 ਦਿਨ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਸੋ ਰਾਜ ਯੋਗੀ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਕੋਲੋਂ ਕਵਿਤਾ ਇਹ ਸੁਣੋ।